नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का दिनभर का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली के साथ। हरियाणा के चरखी दादरी में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली आज हुई है। इस रैली में सीएम मनोहर लाल के अलावा सांसद धर्मवीर सिंह, मंत्री रंजीत चौटाला, विधायक सोमवीर सांगवान, बबीता फोगाट और पूर्व सांसद सुधा यादव भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने दादरी को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने यहां करीब 400 करोड़ के विकास कार्यों की आज शुरुआत की है। सीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि चरखी दादरी जिले को यहां के लोगों की मांग पर अलग जिला बनाया गया था और यहां की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार ने बेहतरीन काम किया है। सीएम ने कहा कि आज 17 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और जनता को समर्पित की गई हैं और आगे भी इस जिले में लगातार विकास कार्यों को अंजाम दिया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि चरखी दादरी भले ही 22वां जिला हो, लेकिन विकास के मामले में चरखी दादरी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जब सरकार हमारी आई तो आपको ध्यान में है कि हमने सबसे पहले इस क्षेत्र को जिले के रूप में 2016 के अंदर ये घोषणा करके 22वां जिला ये हमने तुरंत बनाया था। यहां के लोगों की मांग भी थी, यहां की जरूरत भी थी और उसी अनुसार जिला, क्योंकि जब नया बनता है तो प्रारंभ में कोई योजना ना तो अधिकारियों के पास होती है, ना किसी नीचे काम करने वाले लोगों को पता होता है कि जिले के नाते क्या क्या करना होगा। उसके बाद काम करना हमने शुरू किया और जब काम करते करते जब ध्यान में आया यहां की आवश्यकताएं, तो इस जिले में जब पिछली बार आया था लगभग 200 घोषणाएं मैंने की। और इस बीच कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी मौजूदा